कल की क्लास में हम थर्ड पीरियड तक पढ़ चुके हैं, तो पीरियड की बात में मजीद आगे चल के अब फोर्थ पीरियड को देखते हैं। फोर्थ पीरियड एलिमेंट की जो खसूसियात हैं उसमें सबसे पहले तो इसका नाम देखो, फोर्थ पीरियड क्या कहलाता है बेटा? पीरियड और पीरियोडिक टेबल का फोर्थ पीरियड कहलाता है लॉन्ग पीरियड, का नाम है फोर्थ पीरियड का। ठीक है, फोर्थ पीरियड को क्या कहा जाता है? लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। अच्छा, एलिमेंट की अगर बात करें तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं। 18 एलिमेंट में से 18 एलिमेंट में से दो एलिमेंट एस ब्लॉक के होते हैं, 6 एलिमेंट सी ब्लॉक के होते हैं और 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड का नाम लॉन्ग पीरियड, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं भाई? इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 18। 18 में से दो एलिमेंट एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, 6 एलिमेंट पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं और 10 एलिमेंट डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करूं तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाला पॉइंट मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो मुझे बताइए क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो एंडिंग होगी वो किस हिसाब से होगी, क्या होगी? 4s1 से, ठीक है, 4s1, गुड, ओके, 4s2, 4s2 पर जाएगा, बिल्कुल सही है, 3d1 से 10 तक, 3d1 से 10 तक, वेरी गुड, बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4p1 से 6 तक, बिल्कुल, 4p1 से 6, बिल्कुल आपने सही बताई है दानिया। 4s1, 4s2 तक। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म हो रही है ये उसकी बात हो रही है आपसे। ठीक है, फिर कह रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म हो रही है एटम की उनकी बात है, ये पूरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रहा मैं, सही है। अच्छा, ये पीरियड स्टार्ट कहाँ पर होता है? ये पीरियड स्टार्ट होता है पोटेशियम पर और खत्म होता है क्रिप्टॉन पर। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54, नहीं तो ज़ेनॉन का होता है 36 होता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें, अच्छा इसमें एक बात मुझे और मजीद आपसे करनी थी कि इस पीरियड के अंदर जो 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के है ना, डी ब्लॉक के जो इसमें 10 एलिमेंट है उनकी जो सीरीज है वो क्या है, जरा वो देखो, वो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की है। कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। अच्छा, ये वाली जो सीरीज है ना बेटा, एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक के ये 10 एलिमेंट, इनके एटॉमिक नंबर और नाम के साथ याद करने होंगे आपको। अच्छा, अभी याद नहीं करते कोई मसले की बात नहीं है, एप्टीट्यूड में इनके हवाले से ना सवालात आते हैं, तो ये इसलिए मैंने खास तौर पर मेंशन करके लिखा है कि इसको जरा सा देख लीजिएगा। अभी अगर देखो इंटर में चीजें याद करते हुए चलोगे ना तो एप्टीट्यूड में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो एप्टीट्यूड टेस्टिंग सिस्टम में साथ साथ बताता चलूंगा तुम लोगों को, एप्टीट्यूड टेस्ट में आप अगर ये सोच रहे हो कि जो एक मतलब फर्स्ट ईयर एक साल पढ़ा, सेकेंड ईयर एक साल पढ़ा, एप्टीट्यूड में वही कोर्स 2-3 महीने में कैसे पढ़ा दिया जाता है, तो वो एप्टीट्यूड में 2-3 महीनों में कोर्स इसी तरीके से पढ़ाया जाता है कि आप सब कुछ पढ़कर आए हुए होते हो, आपके सिर्फ वो जो पढ़े हुए पे थोड़ी बहुत धूल मट्टी जम चुकी होती है ना, तो एप्टीट्यूड का टीचर उस धूल मट्टी को साफ करता है बस। अच्छा, कोई ये समझे क्या कि धूल मट्टी को साफ करनी है खुद ही कर लेंगे, किसी जगह पढ़ते नहीं है, किसी टीचर से पढ़ते नहीं है, तो मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि एप्टीट्यूड पढ़िएगा जरूर, क्योंकि कुछ और ट्रिक्स और टेक्निक्स होती है जो सिर्फ एप्टीट्यूड के अंदर बताई जाती है। ये जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर विद नेम सिंबल याद कर लेना, आपके आगे भी ये चीज काम आएगी। इसके बाद सर मैं ऐसा की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। ओके ओके, इसके बाद आते हैं फिफ्थ पीरियड पर। फिफ्थ पीरियड पर अगर हम बात करें तो फिफ्थ पीरियड का नाम भी लॉन्ग पीरियड है, सेकेंड लॉन्ग पीरियड कह सकते हैं इसको, तो हम नाम देते हैं क्या, लॉन्ग पीरियड। अच्छा, इसे लॉन्ग पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर
एलिमेंट की जो तादाद है वो 18 है. टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? 18 एलिमेंट पाए जाते हैं. अगेन जी बेटा बोलो. तो एस ब्लॉक के होते हैं, 6 पी ब्लॉक के होते हैं और 10 इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट पाए जाते हैं. कॉन्फिगरेशन मुझे बताओ. फाइव एस वन ठीक है, फाइव एस टू, फाइव एस टू, फोर डी वन टू टेन, फोर डी वन से टेन तक, और फिर फाइव पी वन टू सिक्स हो जाएगा. वेरी गुड. फाइव पी वन से लेकर सिक्स तक. गुड. अच्छा ये आपके पास कॉन्फिगरेशन आ गई. ये जो पीरियड है ये रुबीडियम एलिमेंट से शुरू होता है और जीनॉन पर जाता है. रुबीडियम 36 होता है और जीनॉन 54 होता है. एटॉमिक नंबर ठीक है. इसके अंदर जो डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स हैं उसके बारे में अगर बताऊं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो इसके अंदर होते हैं वो कौन से होते हैं? क्योंकि अक्सर बेशतर हमारी नजर सिर्फ एस ब्लॉक पर रहती है, यहाँ पर सिर्फ डी ब्लॉक्स को मैं मेंशन करते हुए चलता हूँ. येट्रियम और येट्रियम से लेकर ये कैडमियम तक होते हैं 38 और इसका एटॉमिक नंबर 30 और फिर ये 48 होगा. ओके येट्रियम से कैडमियम तक. सर रुबीडियम का एटॉमिक नंबर क्या? 36 का 19 सर, ऊपर भी 36 ही लिखा है. ओहो गड़बड़ हो गई. 36, 37 होगा फिर क्रिप्टॉन फिर रुबीडियम आएगा ना. 37 होगा. सॉरी सही कह रहे हो, इसका एटॉमिक नंबर 37 होगा, 36 नहीं होगा. सही है. कोई सवाल इसमें? नो सर. नो सर. ठीक है अब मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल शो कर देता हूँ ताकि आप लोग एक नजर पीरियोडिक टेबल को भी देख लीजिएगा. स्क्रीन शो हो रही है बेटा मेरी? जी सर. यस सर. ठीक है तो अब जरा यहाँ पे देख लेते हैं. देखो ये है फोर्थ पीरियड जो पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है? क्रिप्टॉन पे खत्म हो रहा है. क्रिप्टॉन पे. ठीक है अब इसमें ये जो दो एलिमेंट्स हैं पोटेशियम और कैल्शियम ये एस ब्लॉक के हैं. फिर गैलियम से लेकर क्रिप्टॉन ये पी ब्लॉक तक आ गए. ये वाले जो है स्कैंडियम से लेकर जिनॉन जिंक तक सॉरी ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं. कौन कौन से हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. इनको एटॉमिक नंबर के साथ मैंने कहा था कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट सीरीज एलिमेंट जरूर याद कर लें. आप लोगों को पीरियोडिक जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जरा हेल्प हो जाएगी. ठीक है अच्छा उसके बाद फिफ्थ पीरियड है तो जरा फिफ्थ पीरियड के ऊपर नजर डालिए. ये रहा फिफ्थ पीरियड पूरा पूरा. सर ये पॉइंट्स पे नंबर कौन से लिखे हैं नाम के नीचे? ये वाले. यस सर. बेटा ये एटॉमिक मास है. ऊपर जो लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और नीचे जो लिखा हुआ है एटॉमिक मास है. वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है और इसका एटॉमिक मास 50.94 यानी तकरीबन 51 होता है. ये चीज ठीक है सर. ठीक है अच्छा पांचवा पीरियड देख लो. ये रुबीडियम से शुरू हो रहा है और देखो जीनॉन पे खत्म हो रहा है. ठीक है अच्छा इसके अंदर भी टोटल 18 एलिमेंट पाए जाते हैं. एक दो ये एस ब्लॉक के, फिर ये सारे पी ब्लॉक के. ठीक है इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन, ज़ेनॉन. ये वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जरा इनको देख लो. येट्रियम, ज़िरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम और रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम. ठीक है ये इन एलिमेंट्स के नाम हैं. फोर्थ और फिफ्थ पीरियड आप लोगों को दिखा दिया. कोई सवाल कोई कंफ्यूजन अगर इसमें है तो पूछ लें.
नो सर। ठीक है ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड को देख लेते हैं। अच्छा इसके स्क्रीनशॉट ले लेते, ले लिया सर, ले लिया। फिफ्थ पीरियड तक हो गया हमारे पास। अच्छा अब आते हैं हम सिक्स्थ पीरियड की तरफ। तो सिक्स्थ पीरियड जो है हमारे पास वो क्या कहलाता है, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है वो सिक्स्थ पीरियड। अच्छा इसे लॉन्गेस्ट पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इस पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। दो एलिमेंट्स इसमें एस ब्लॉक के होते हैं, छह एलिमेंट्स इसमें पी ब्लॉक के होते हैं, 10 एलिमेंट्स इसमें डी ब्लॉक के होते हैं और 14 एलिमेंट्स इसके अंदर एफ ब्लॉक के भी शामिल होते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। अच्छा ये पीरियड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पीरियड स्टार्ट होता है सीजियम से और ये खत्म होता है क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन आरएन पर। ठीक है, सीजियम से स्टार्ट होता है और रेडॉन पर खत्म होता है। इसका एटॉमिक नंबर 86 होता है और सीजियम का एटॉमिक नंबर, अभी रुबिडियम का 37 बताया था ना, तो 55 होगा और रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 होता है। ठीक है ना। अच्छा इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से आपका क्या ख्याल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 6s1 सही है, कब है थोड़ा सा 6s1 आगे 6s2 ठीक है गुड, 6s2 4F1 to 14 नहीं पहले आता है 5D, पहले 5D आता है 1 से 10 सही। ठीक है फिर 4F आता है ना, गुड, फिर आता है 4F 1 से 14 तक, फिर आता है 6P वेरी गुड 1 to 6। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म होती है, तो ये इसी बेसिस पर मैंने सारे शुरू से लेकर यानी कि सीजियम से लेकर आखिरी रेडॉन तक का लिख दिया कि कहाँ से मतलब किसकी कहाँ खत्म हो रही है। सीजियम की 6s1 पे खत्म होती है और रेडॉन की 6p6 पे खत्म होती है, बीच में ये सारी चीजें आ जाती है। सही है। अच्छा जो इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से इसके अंदर, La लेंथेनाइट से यानी कि लेंथेनियम से शुरू होता है और ये Hg मरकरी तक जाता है 80 और ये होता है 57। ठीक है, जो इसमें 14 एलिमेंट्स F ब्लॉक के होते हैं वो कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म होते हैं, तो वो 14 एलिमेंट जो एफ ब्लॉक के हैं इनके हवाले से भी अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पर नजर डाली हो तो वो सीई सीरियम से शुरू होते हैं और वो खत्म होते हैं सीरियम पर। 58 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 71 इसका एटॉमिक नंबर होता है। सही है, और ये वाली जो सीरीज है एफ ब्लॉक वाली, आपको पता है कि दे आर प्लेस्ड एट bottom of periodic table, they are at bottom of periodic table, ये periodic table के bottom पर होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको, इसमें कोई सवाल है किसी को, अगर तो है तो पूछ लीजिए। No sir। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को दोबारा से स्क्रीन को शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ,
आप लोगों को मैं पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ। तो पीरियोडिक टेबल के ऊपर दोबारा नजर डाल लीजिए, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा सिक्स पीरियड, दो एलिमेंट एस ब्लॉक के, सीजियम और बेरियम। फिर ये छह एलिमेंट जो है वो पी ब्लॉक के, थैलियम, लेड, बिस्मुथ, पोलोनियम, एस्टेटीन और रेडॉन। फिर दस एलिमेंट जो है वो इसमें डी ब्लॉक के काउंट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से देखो, सीरियम है, ठीक है, सीरियम के बाद यहाँ पर आ जाते हैं हैफ्नियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्करी, ठीक है। फिर आ जाओ एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखो लैंथेनियम, पैसिडाइनियम, नायोडीमियम, प्रोमीथियम, इमेरियम, यूरोपियम, गुडिलियम, टर्बियम, डाइस्पिरोसियम, हेलुमियम, इर्बियम, थूलियम, डिट्रीबियम और लुटीथियम, या इसको लुशीथियम भी कहा जाता है, सही है, लुशीथियम कहें या लुटीथियम कहें, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये हमारा सिक्स पीरियड के ये तमाम एलिमेंट्स हैं। अच्छा देखो, सबके नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन एज सच हमारा कोई इतना काम नहीं है, ये जो पीरियोडिक टेबल में नीचे के एलिमेंट्स है ना, हमारा इसमें किसी से भी कोई इतना ज्यादा वास्ता ताल्लुक नहीं पड़ेगा। जो भी हमारा वास्ता ताल्लुक पड़ने वाला है वो शुरू के एलिमेंट जो है ना, ये कम से कम 1, 2, 3, 4 पीरियड तक के एलिमेंट से हमारा ज्यादातर वास्ता रहता है। फिर सर नीचे हाँ बोलो सर, ये याद तो करने नहीं होते ना एलिमेंट जी? नहीं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये जब सभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मुझे आप लोगों को बताना तो पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट एक एक बार तो मैं, चूंकि लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मतलब इनके तो नाम भी इतने खतरनाक है, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ के तो नाम मैं नाम भी भूल जाता हूँ। यहाँ देख रहे हो ये नाम लिखे हुए ऑलरेडी, मैं खुद भी कुछ के नाम भूल जाता हूँ, इसमें कोई वो मैंने जब भी पूछ लिया याद तो नहीं करना। हाँ इसीलिए सर के ऊपर से जा रहा है, मुझे इतना टाइम पढ़ाने के बावजूद भी अब तक सबके नाम याद नहीं हुआ, सही है। हाँ ये कि सिंबल में देख लेता हूँ, तो सिंबल देखकर मैं फिर भी नाम बता देता हूँ कि यार इसका नाम ये होगा, लेकिन अगर तुम सिंबल भी हटा दो और फिर नाम बोलो तो मैं ये नाम नहीं बता सकता, मुझे याद नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है। पढ़ना ये आते तो नहीं है ना कहीं पे? नहीं ये आते नहीं है, ऐसा आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है, ओके ठीक। अच्छा बेरियम के बराबर में खाली है ये, इसका क्या सीन? हाँ तो ये यहाँ पे इंडिकेटेड है ना, ये देखो कह रहा है ना 57 से 71 अच्छा, यहाँ पर नहीं है तो वो यहाँ पर आ रहा है 57 से लेकर 71 तक, ठीक है। कोई और सवाल बेटा किसी को? नो सर। पक्का? सही बेटा, अब ठीक कर दिया इसको, रिकॉर्डिंग पे भी डाल दिया, और भाई मुझसे गलती हुई थी, ये 4F और 5D पर वो आगे पीछे लिख दिया था, ठीक है, तो उसे भी मैंने सही कर दिया। सर आप बता रहे थे पहले क्यों लिखा था आपने? पहले मैंने इसकी वजह से लिख दिया था, ये 6F और 5D का पेयर बन जाता है ना, F और D एक साथ होते, इस वजह से लिख दिया जी। ठीक है, वरना करेक्ट वही है जो आपने मुझे बताया कि एफ और डी का पेयर बनाने के लिए वो किया था। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर मैं आगे चलूं? वो यस सर, ठीक है। अच्छा अब है हमारे पास सेवेंथ पीरियड, और सबसे ज्यादा थड्डे फसाद जो है ना वो इसी पीरियड के अंदर है,
सेवेंथ पीरियड को पहली बात तो कहा जाता है इनकम्प्लीट पीरियड, क्योंकि इसके बारे में ये ख्याल अभी जाहिर किया जाता है कि अभी मजीद एलिमेंट इस दुनिया में या कहीं मौजूद हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन वो पीरियड का हिस्सा बनेंगे। साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि ये पीरियड अभी कंप्लीट होना बाकी है और एलिमेंट्स मौजूद हैं इस दुनिया में जो फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहे, मतलब हमें हमारी डिस्कवरी में नहीं है, लेकिन आगे हो सकते हैं। कोई मुझे इस बात का जवाब दे सकता है कि साइंटिस्ट ने ऐसा कैसे एनालाइज किया कि अभी मतलब सेवन पीरियड के एलिमेंट्स मजीद डिस्कवर होना बाकी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही एनालाइज किया गया बेटा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही मदद से इसको बताया जाता है। देखो ऐसा इसलिए कि हम ये कहते हैं ना कि न्यूक्लियस है, जैसे उसमें पहला शेल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरा होता है उसमें आठ आते हैं, तीसरा होता है उसमें मिसाल के तौर पर 18 आते हैं, फिर चौथा होता है उसके अंदर 32 आते हैं, फिर पांचवा होता है उसके अंदर 50 आते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो शेल्स है ना, वो साइंटिस्ट का मानना यह है कि जो आखिरी एलिमेंट अल्लाह की कुदरत में जो भी आखिरी एलिमेंट होगा वो होगा जिसमें आकर एटम के सारे शेल 100% फिल हो रहे होंगे। लेकिन अभी जो सातवां शेल है ना हमारे पास, ये जो सेवेंथ शेल है हमारे पास, ये सेवेंथ शेल अभी तक इनकम्प्लीट है, ये फिल नहीं हुआ है। इसलिए साइंटिस्ट का मानना है कि एलिमेंट अभी बाकी है डिस्कवर होना, यानी कि ऐसा वक्त आएगा कि जब एलिमेंट्स आपके डिस्कवर होंगे। सही है, इसमें कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन या कोई बात? नो सर। अच्छा, इस पीरियड को इनकम्प्लीट कहने की वजह पता चल गई, लेकिन अब तक इस पीरियड में सर अब तक कितने एलिमेंट हैं? तो अब तक इसके अंदर 32 एलिमेंट हम मानते हैं, ठीक है। अब 32 एलिमेंट्स में से अगेन दो एस के, पी के 6, पी के 10 और एफ के 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद है जो इस पीरियड के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर, एक मिनट पहले वो बताएं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आप सीरीज देखते हैं। अच्छा सीरीज, तो उससे अंदाजा करती हूँ, चलो ठीक है जी। हाँ सही है, कोई इसमें बुराई थोड़ी है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 118 एलिमेंट्स की कराई थी तो वो मुंह दिखाने के लिए थोड़ी कराई थी, इस्तेमाल करने के लिए कराई थी। कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा। हाँ भाई, तो फ्रेंचन से ये पीरियोडिक टेबल मतलब ये वाला ग्रुप शुरू होता है और ये यू यू ओ तक जाता है, यानी कि ये 1118 पर ये है। फ्रेंचन का एटॉमिक नंबर मुझे याद नहीं है, फ्रेंचन का एटॉमिक नंबर 87। अब बताओ सेवन एस वन, ठीक है, 7s1, 7s2, गुड, फिर 5f1 to 14, 5f1 to 14, 6d1 to 6, 1 to 10 सॉरी, फिर 7p1 to 6। अच्छा, इसके अंदर भी हम वो कर सकते हैं, यानी कि 7s2 के साथ 6d10 लिख सकते हैं, बात को समझने के लिए, यानी कि अगर हमें ग्रुप पीरियड एनालाइज करना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जनरली वो चीज सही नहीं होगी, वो गलत होगी। मैं क्लियर, बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर, ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर इसमें एक चीज और बताऊं, जो लास्ट नेचुरल एलिमेंट है, लास्ट नेचुरल एलिमेंट हमारे पास जो है वो यूरेनियम है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसका 92 है, ठीक है। और यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे ट्रांस यूरेनियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहलाते हैं। यहाँ पे मैं बल्कि लिख देता हूँ, आफ्टर 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे आर मैन मेड या सिंथेटिक एलिमेंट, वो कुदरती तौर पर
पाए नहीं जाते बल्कि उसको इंसान बनाते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, इनका एक नाम होता है, इनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी कहते हैं। यानी कि अच्छा, इसको बनाया कैसे जाता है, इन एलिमेंट को जो आप यहाँ देख रहे हो इनको रेडियो एक्टिविटी की मदद से, बेटा माइक ऑन करो अपना, इनको इनको रेडियो एक्टिविटी की मदद से बनाया जाता है। जब हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं तो यूरेनियम या दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मदद से हमने कुछ एलिमेंट्स को खुद बना लिया। कुदरती तौर पर अल्लाह ने उनका वजूद नहीं रखा था, लेकिन हमने उनको खुद बना लिया। अच्छा, अगर किसी के जहन में सवाल आ रहा हो कि सर इंसान जो बनाता है वो तो कंपाउंड होता है, एलिमेंट को तो अल्लाह ही बनाता है ना, हम कैसे बना सकते हैं एलिमेंट, बेटा तो इसके लिए आपको बेसिक बातें मैं दोबारा से याद दिला दूं। एलिमेंट की डेफिनेशन ये नहीं है कि उसे इंसान ना बना सके, बल्कि एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी चीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एटम्स हों, एक से ज्यादा टाइप के एटम उसके अंदर ना हो, सिर्फ एक तरह के एटम्स होंगे तो वो एलिमेंट होगा, और एक से ज्यादा टाइप के एटम होंगे तो वो कंपाउंड होगा। तो साइंटिस्ट ने जो आर्टिफिशियल तरीके से एलिमेंट्स को प्रोड्यूस किया है या जो बनाया है, उसमें भी शर्त यही देखी गई, क्या ये जो चीज, ये जो एक सैंपल हमने बनाया है, क्या इस सैंपल में कोई दूसरी तरह का एटम तो मौजूद नहीं है, सारे एटम एक जैसे ही है। जब इस बात की तस्दीक हो गई तो उस एलिमेंट को हमने एलिमेंट, उस चीज को हमने एलिमेंट तो मान लिया, लेकिन वो कुदरती तौर पर एलिमेंट नहीं होता, वो बल्कि मैन मेड एलिमेंट होता है, उसको इंसानों ने रेडियो एक्टिविटी की मदद से बनाया होता है। अगर आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया, जैसे इस साल फिजिक्स के आखिरी चैप्टर में होगा, उसमें आप ये देखोगे कि जब कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी करता है तो उससे ना कुछ छोटे एलिमेंट बनते हैं, मतलब कोई एलिमेंट जब रेडियो एक्टिविटी कर रहा होता है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो टूट के कुछ छोटे एलिमेंट बन जाते हैं, यानी कि 92 से टूट कर 56 बन गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है 56 बन गया, तो वो दो एलिमेंट सामने आ गए आपके वजूद में। सही, इस तरीके से हम अलग अलग एलिमेंट को बना सकते हैं बाय मींस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बट दे आर नॉट नेचुरल एलिमेंट, दे ऑल आर सिंथेटिक एलिमेंट। मेरी बात समझ में आ गई? जी सर। कोई सवाल तो नहीं किसी को? कोई सवाल तो नहीं बेटा किसी को? सर हम उनको भी तो बना सकते हैं जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, इनकम्प्लीट है। बेटा बना तो सकते हैं, लेकिन वही बात आती है ना कि हर चीज बनाना इतनी आसान नहीं होती, वरना अगर एलिमेंट्स को क्रिएट करना इतना आसान होता तो अब तक 92, तुम देखो 92 नेचुरल है, 92 के बाद जितने हैं वो सिंथेटिक हैं। तो कितने सिंथेटिक एलिमेंट आपके सामने, 25-26? अगर 1940 में पहला मैनमेड एलिमेंट तैयार हुआ था तो 1940 तक से अब तक इतने साल गुजरने के बाद भी सिर्फ 26 ही एलिमेंट बन पाए जो हमने बनाए। हर चीज को मतलब मैंने इतनी आसानी से बता दिया कि रेडियो एक्टिविटी की मदद से बना सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी की मदद से बना सकते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल करना, रिएक्शन कराना, रिएक्शन के बाद उस एलिमेंट का को स्टेबल रखना, उस स्टेबल एलिमेंट की रेडिएशन को स्टेबल रखना, बहुत सारे फिनोमेनाज होते हैं बेटा, इतनी आसान चीजें नहीं होती है। सर यूरेनियम कब डिस्कवर हुआ, कितने टाइम पहले? बेटा यूरेनियम तो काफी टाइम पहले डिस्कवर हुआ था, मतलब मुझे इसकी एग्जैक्टली डिस्कवरी का नहीं पता कि यूरेनियम कब डिस्कवर हुआ है, अगर मैं थोड़ी देर में बता सकता हूँ देखकर। इसके बाद आपसे जब 9 में पढ़ने आया था तो आपने बताया था ना कि जैसे अभी एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ, उस टाइम बताया था आपने। हाँ उस वक्त बिल्कुल, आज से 4 साल पहले 4 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, लेकिन वो अभी हमारी किताब का हिस्सा नहीं है, वो जो है वो हमारे, मैं कहता हूँ ना कि अक्सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अभी फिलहाल नहीं पता, मतलब वो 4 एलिमेंट डिस्कवर तो हो चुके हैं लेकिन अभी उनपे रिसर्च जारी है मजीद, और हमारे तुम्हारे जो पोते होंगे वो उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे, तुम भी पढ़ पाओगे। सही है सर, ठीक है। और कोई सवाल? और कोई सवाल बेटा किसी को? तो अब हम पीरियड 7 को देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन में ले लेते हैं पीरियड 7 को। देखो क्या आ गया पीरियड 7, ये रहा ट्रेंशियम, रेडियम, फिर नीचे आ गया एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम,
यूरेनियम, ये आखिरी नेचुरल एलिमेंट है। फिर आ जाओ नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबियम और नोबेलियम और लॉरेंशियम। के बाद अगर यहाँ बात करें तो रदरफोर्डियम, डबनियम, केबोर्गियम एक साइंटिस्ट के नाम पर है, और बोरियमी, हेजियम, म्यूटनियम, डर्मेट स्टेडियम, डर्मा स्टेडियम ये नेदरलैंड के लिए यूज हुआ है, रोएनजीनियम एक्सरे का डिस्कवरर, कॉपरनीशियम, नयोबियम, फ्लेराबियम, मेस्कोबियम, लिवर मोरियम और टेपेसिन और ऑग्नेसन ऑग्नेसियम। ठीक है, अब यहाँ पर आकर सारे नेचुरल एलिमेंट खत्म हो गए। अब यहाँ से लेकर ये जितने भी आप देख रहे हो और वो आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ नीचे करके नजर आते हैं ना, यू यू ओ यू यू वी करके इस तरीके से, वो सारे एलिमेंट जो है वो अभी तक मतलब जैसे ये वाले जो एलिमेंट हैं इनके बारे में अभी तक सख्त हैं कि आइदर दे आर एलिमेंट्स और नॉट, इनके बारे में इतनी कोई जानकारी है नहीं है। जितने भी आप देख रहे हो ना 112 से लेकर 118 तक, ये तो अभी तक कुछ कंफर्म ही नहीं है इनके बारे में। बाकी जो है वो भी आर्टिफिशियली तरीके से हमारे बनाए हुए। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। मजीद कोई सवाल अगर किसी को है तो वो पूछ सकता है।